सो हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं कार फोर सेल्स सिमुलेटर। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा गाइस कि लास्ट वाले एपिसोड में हम लोगों के पास जो है गाइस ये दो दो निसान जीटीआर आ चुकी थी और आप लोगों को तो पता ही है कि दूसरी निसान जीटीआर हम लोगों को कैसे मिली थी। बट हां, फर्स्ट निसान जीटीआर को ढूंढने के लिए हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ी होती और मैंने लास्ट टाइम जो है गाइस उन तीनों गाड़ियों को ये तीन गाड़ियों को खरीद के रखा था। उसमें से एक गाड़ी जो है गाइस लैम्बोर्गिनी मतलब फरारी को जो है मैंने ड्रैग रेस में जीता था और बाकी की आप लोगों को तो पता ही है कि निसान जीटीआर मैंने भी एक ड्रैग रेस में जीती है। तो फटाफट से पहले क्या करते हैं, आज ऑक्शन भी ओपन है तो सबसे पहले क्या करते हैं कि आज ऑक्शन में जाके आएंगे, बाद में उसके बाद जाएंगे ड्रैग रेस वाले ऑप्शन पे। क्या पता आज भी एक निसान जीटीआर आ चुकी हो। तो पहले क्या करते हैं कि हमारी इस वाले निसान जीटीआर को लेके जाएंगे जो हमारी पर्सनल कार है। तभी के लिए करते हैं ऑक्शन पे आ चुके हम लोग। फटाफट से यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी गाड़ी आई हुई है यहाँ पे। आई होप कि गाइस जो यहाँ पे कोई अच्छी गाड़ी आई हो जिसको लेके हम लोग जा सके। देखते पहले कौन से में क्या है। ये एक सेवलेट एस है, फिर यहाँ पे डॉज चार्जर खड़ी है। तो अभी कोई नहीं है गाइस, आज कोई नहीं गाड़ी आई है ऑक्शन में। तो अभी क्या करते हैं पहले चलते जाके आते भाई ड्रैग रेस वाली जगह पे और वहाँ पे जाके चल के देखते हैं कि कौन सी गाड़ी आई है। तो यहाँ पे गाइस जो एक टेस्ला खड़ी है और टोयोटा एवरोनी खड़ी है, दो ही गाड़ी है जो कि रेस करने लायक तो है ही नहीं बिल्कुल भी। तो उसको रहने देते हैं, नेक्स्ट डे करके आते हैं क्योंकि नेक्स्ट डे पे ही हमारा काम होगा। बट हाँ, उससे पहले हम लोग एक चीज करनी है भाई। अभी हमारे पास है 8.7 मिलियन डॉलर्स। तो आज मेरे को गाइस जो है 10 मिलियन डॉलर्स करने। तो अभी क्या करते हैं फटाफट से इन तीनों गाड़ियों को सेल पे लगाते हैं। आई थिंक गाइस इन गाड़ियों को बेच के जो हमारे पास 10 मिलियन डॉलर्स आराम से हो जाएंगे। पहले वेब पेज पे चलते हैं और यहाँ पे चलते क्या करते हैं कि फरारी हमारी कौन सी है। व्हाइट कलर की दोनों फरारी है। तो पहले इसको क्या करते हैं कि ये वाली हमको नहीं लगानी है, पर्पल वाली तो हमारी खुद की है। तो 5,45,000 इसका प्राइस है, तो इसको भी लगाओ और फिर इसको भी पुट ऑन सेल करो। 5,45,000 मैंने इस पे भी लगा दिया है। और अभी लास्ट वाली टोयोटा सुप्रा है। टोयोटा सुप्रा का कितना प्राइस है मैं भूल चुका हूँ, 1,17,000 प्राइस है। वैसे भी हम लोग टोयोटा सुप्रा को उतना ज्यादा बेचते नहीं है तो प्राइस उतना ज्यादा याद रहता नहीं मेरे को उसका, बट अभी याद रह जाएगा। इसका 1,17,000 प्राइस है। अभी ओपन करते हैं गैरेज को, गैरेज को नहीं मतलब शोरूम को हमारे ओपन करते हैं। और अभी तीनों गाड़ियों को लगा दिया और भाई तीनों गाड़ियों जो व्हाइट पेंटेड है तो बहुत ही अच्छी लग रही है। ऑलराइट गाइस, तो अभी एक कस्टमर आ चुका है और अभी देखते हैं इनसे बात करते हैं। फरारी लेने के लिए आए, 5,45,000 मैंने लगाए हुए प्राइस और ये बंदा दे रहा है 4,09,000 दे रहा है। तो अच्छे प्राइस दे रहा है बट उतने ज्यादा खास दे नहीं रहा है। तो 5,40,000 मैंने इसको ऑफर कर दिए, अभी भी नहीं मान रहा है। तो एक और बार ऑफर करते हैं, 5,20,000 डॉलर मैंने ऑफ कर दिए इसके लिए और अभी भी नहीं मान रहा है। आई थिंक गाइस ये बंदा 5,00,000 में मान जाएगा। वैसे भी 90,000 डॉलर तो दे ही सकता है गाइस, अगर उससे ज्यादा नहीं दे सकता तो फिर रहने दो भाई। अभी लास्ट प्राइस इसको ऑफर करता हूं 4,95,000 डॉलर्स और गाइस यही लास्ट ऑफर है भाई इसके लिए। अगर नहीं लेता है तो फिर इसको डोंट सेल कर देते हैं, हमारे पास और भी कस्टमर्स आएंगे जो कि अच्छे प्राइस दे देंगे। तो अभी इसको तो कर दिया मैंने डोंट सेल, अभी इसके लिए बात करते हैं। टोयोटा सुप्रा लेने के लिए आंटी 87,000 डॉलर्स दे रही है, अच्छे प्राइस दे रही है। बट इससे बात करते हैं 1,15,000 निकलवाते हैं इससे। तो अभी इसको 1,05,000 मैंने ऑफर किया बट अभी भी नहीं मान रहे, तो इसको भी डोंट सेल करते। वैसे भी बार्गेनिंग के लिए तैयार नहीं है बट यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर आए हुए, आज भीड़ बहुत ज्यादा लगी हुई है। इससे बात करते भाई ये कितने में दे रहा है, 5,45,000 के। 4,14,000 डॉलर्स दे रहा है, तो इसको हम लोग बार्गेन करते 5,20,000 डॉलर। आई थिंक ये बंदा इतने में तो मान जाना चाहिए, नहीं मान रहा है। तो अभी एक और बार ऑफर करते 5,00,000 ऑफर करते भाई। आई थिंक ये बंदा इतने में तो मान ही जाएगा, नहीं मान रहा है अभी। आई थिंक ये बंदा इतने में भी नहीं मान रहा है। तो अभी मैं कह रहा हूँ इसको रहने दो, डोंट सेल करते इसको, क्योंकि वैसे भी हमारे पास और कस्टमर्स आएंगे भाई। 1,00,000 मैंने ऑफर कर दिया है, 1,01,000 ऑफर, 1,01 डॉलर ऑफर करते भाई, सगुन का 1 रुपया ऑफर करते इसको। तो आई थिंक ये बंदा मान जाएगा। लोग ये गाड़ी भी बिक चुकी है और अभी हमारे पास है 9.24 मिलियन डॉलर्स, मतलब कि हमारे पास अभी चाहिए हम लोगों को 7,50,000 डॉलर्स और उतने में हम लोग बेच देंगे। तो आई थिंक गाइस ये गाड़ी हम लोगों को बेचने के बाद भी 10 मिलियन डॉलर्स नहीं होंगे, क्योंकि ये गाड़ी हम लोग 5,45,000 तक भी बेच सकते हैं। ये बंदा आई थिंक गाइस ये बंदा अच्छे तरीके से आएगा, तो इससे बात करते हैं। 3,98,000 डॉलर्स इसको 4,80,000 में ऑफर कर देता हूँ। इतने प्राइस में तो मान ही जाया चाहिए गाइस, अभी नहीं मान रहा है। तो इसको एक और बार ऑफर करते, लास्ट प्राइस 4,62,000 डॉलर्स में गाड़ी बिक चुकी है और अभी हमारे पास है 9.7 मिलियन डॉलर्स। अभी हम लोगों को 3,00,000 डॉलर्स चाहिए सिर्फ और सिर्फ। तो अभी क्या करते हैं नेक्स्ट डे करके आते हैं। वैसे भी आज सारी की सारी चीजें हम लोगों ने कर ली। और ऑलराइट गाइस, तो आज नेक्स्ट डे हो चुका है और आज कार मार्केट ओपन है, आज ऑक्शन ओपन नहीं है। तो पहले कार मार्केट पे चलते और वहां पे जाके देखते हैं कि आज कौन सी गाड़ी आई है। आई थिंक गाइस यहां पे ऑडी आर8 आनी चाहिए बट यहां पे मस्टैंग खड़ी हुई है, ये गाड़ी उतने ज्यादा पैसे देगी नहीं गाइस। वहाँ पे देखते गाइस ड्रैग रेस पे कोई अच्छी गाड़ी आई हो तो देख के आते। आई थिंक गाइस यहाँ पे कोई और गाड़ी अच्छी नहीं आई है, एक BMW खड़ी है और आई एक डॉज वाइपर आई है, बट हमारे पास डॉज वाइपर है नहीं। और वैसे भी हम लोगों ने गाइस पहले भी ऑडी आर8 से जो गाइस हम लोगों ने इसको हरा के रखा है। तो अगर बैट इस कार होता तो हम लोग आई थिंक मैं कर लेता रेस, बट अभी पैसों की रेस होगी तो हम लोग नहीं करना चाहते क्योंकि हमारे पास डॉज वाइपर है नहीं अभी के लिए। तो ऑलराइट गाइस, तो आज मैं नेक्स्ट डे करके आ चुका हूं और अभी हमारे पास ऑक्शन ओपन है आज के लिए। 2 बजे ऑक्शन ओपन होने वाला है, बट उससे पहले क्या करते हैं कि अभी चलते फटाफट से गाड़ी को लेके हमारी। आई थिंक गाइस मैंने जो एक चीज मिस कर दी कि हम लोग निसान जीटीआर को लेके चल रहे, बट हां अभी हम लोग चल रहे ड्रैग रेस पे। ऑक्शन में तो हम लोग हमारी मस्टैंग को ही लेके चलेंगे क्योंकि आप लोगों को पता है गाइस कि मस्टैंग हमारे लिए एक लकी चाम है।
बट यहाँ पे कौन सी गाड़ी है, ऑडी आर8 आई है गाइस। आई थिंक गाइस हमारा काम बन चुका है आज के लिए, जो काम हम लोगों को करना था वो गाइस वो काम अभी हो जाएगा। तो पहले क्या करते हैं कि इस गाड़ी को रख के आते हैं और फिर हम लोग पहले चलते हैं ऑक्शन पे और वहाँ पे जाके देखते हैं कौन सी गाड़ी आई है। तो अभी फटाफट से क्या करते हैं इसकी ऑक्शन ओपन है तो मस्टैंग को लेके चलते हैं, बट उससे पहले क्या करते हैं कि रेस करके आते हैं। भाई 2 बजे ऑक्शन ओपन है तो इसको आज रिपेयर भी करवा के रख देंगे, बट उससे पहले क्या करते हैं कि इससे बात करते हैं क्या है आज ड्रैग रेस में, बैटरी कार ऑलरेडी है तो इससे रेस करते और फिर स्टार्ट करते। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग रेस वाले जगह पे आ चुके हैं और अभी हमारी जो गाड़ी है दोनों की दोनों यहाँ पे आ चुकी है। आई थिंक गाइस इस गाड़ी को अगर हम लोग जीत लेते तो हमारे पास $10 मिलियन तो आराम से हो जाएंगे और उससे ऊपर भी हो जाएंगे। फिर हम लोगों को गाड़ियों को बेचने का कोई मतलब है नहीं भाई, वैसे भी हम लोगों के पास बहुत पैसे हो जाएंगे। और आप लोगों को तो पता ही है गाइस कि हम लोग हर बार मतलब हारते हैं तो है नहीं, बट कभी कभी अगर हम लोगों को अच्छा लगता है तो हार भी जाते हैं, बट अभी जीत चुके हैं हम लोग ऑलरेडी रेस को। तो अभी गाइस मैंने उस गाड़ी को तो टो करवा दिया है और अभी हम लोग चलते हैं हमारी ऑडी आर8 को लिए। और गाइस आज एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ गाइस कि अभी आज देखो 367th डे है और मैं गया था कितने बजे, मतलब 9:45 बजे गया था, ठीक है गाइस। और आज ऑक्शन ओपन था, बट अभी जैसे ही मैं वापस आया ड्रैग रेस पे से तो आज ऑक्शन चला गया। आई थिंक गाइस ये लोग मतलब कुछ इस तरीके से करते कि अगर हम लोग ड्रैग रेस पे चलते हैं तो पूरा का पूरा दिन ले जो है लेफ्ट हो जाता है, मतलब कि वो चला जाता है। तो इसीलिए वजह से मेरा ऑक्शन भी चला गया और मैंने देखा नहीं था कि ऑक्शन में कौन सी गाड़ी आई थी, बट अभी कोई नहीं, अगर होगी भी तो दूसरी बार देख लेंगे। बट अभी हमारे पास एक ऑडी आर8 आई है और पहले क्या करते हैं कि इस गाड़ी को हम लोग सेल पे लगाते हैं, बट उससे पहले थोड़ी सी गंदी है गाड़ी, इसके पूरी व्हाइट कलर में और बहुत ही ज़्यादा डर्टी गाड़ी है, इसको पहले साफ करते और फिर हम लोग लगाते हैं सेल पे। वो बंदा अभी मस्टैंग को साफ कर रहा है, क्लीन हो चुकी है। पहले क्या करते हैं कि इसको फोटो खींचते हैं, फोटो वाला कहाँ पे, यहाँ पे नहीं जाना है हम लोगों को, इस पे बात पे जाना है। पहले फोटोज पे करते हैं कैमरा पे ऑक्शन पे और यहाँ से पहले मस्त से फोटो खींचते हैं इसकी। अभी सेव कर लेते हैं इसको और अभी चलते हैं वेब पेज पे और यहाँ पे जाके करते हैं इसको ऑडी आर8 कहाँ का, ये व्हाइट वाली है, इसको करते हैं। और इसका तो प्राइस आप लोगों को पता ही है, $909,000, बट इसको हम लोग लगाएंगे आज $9,000 में। अभी इसको करते हैं फटाफट से सेल पे कर दिया मैंने, इसको ओपन करते और अभी जैसे ही कस्टमर आते हैं इनसे बात करते। तो अभी गाइस मैंने यहाँ पे 2 गाड़ियाँ जो है अभी गैरेज में रखी थी, मतलब रिपेयर वाले शॉप पे, और अभी एक कस्टमर आ चुका है भाई, इसको मैंने रिपेयर करवाने पे डाली है क्योंकि थोड़ी सी डैमेज बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। जैसे मैंने बताया था कि ऑडी आर8 तो वैसे भी 14% डैमेज हो चुकी थी और यहाँ पे गाइस एक घर पे जो विंडो खुली हुई है तो वहाँ से कोई मतलब देख रहा होगा कि कौन सी गाड़ी आई है। यहाँ पे ऑडी आर8 यहाँ पे पड़ी है हमारी, $9,00,000 पे हम लोगों ने लगाई है और ये बंदा $6,91,000 दे रहा है, $8,50,000 मैंने इसको ऑफर कर दिए। और ये गाड़ी मैं जो है गाइस $3,00,000 तक बेच सकता हूँ, बट हम लोगों को क्या करना है इस गाड़ी को आई थिंक मैं $8,00,000 तक बेचूंगा, तो इसलिए मैंने इस बंदे को $8,20,000 मैंने ऑफर की है और $7,00,000 तक ये दे रहा है, मतलब $6,99,000 मतलब वो लोग $8,00,000 में बेच चुके गाइस। और हमारे पास हो चुके हैं गाइस अभी $1,05,00,000, मतलब कि हमारे पास आज हो चुके हैं $10.5 मिलियन और मैंने अभी निसान GTR को भी रिपेयर के लिए डाल दिया है और हमारी ऑडी आर8 को भी डाल दिया, जो कि बहुत ज़्यादा महंगी गाड़ियाँ है दोनों। ऑलराइट गाइस, तो अभी मेरे को यहाँ पे ऑटो रिपेयर वाले शॉप पे से फोन आया था कि अभी हमारी दोनों गाड़ियाँ जो है रिपेयर हो चुकी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ऑडी आर8 को यहाँ से बेचते टो करवाते और अभी हमारे निसान GTR को तो हम लोग खुद लेके जाएंगे भाई। आते ही भाई मैंने डैमेज कर दी एक और बार, तो अभी इसको रहने देते भाई, इससे ज़्यादा डैमेज हुई नहीं है, 0.8% डैमेज ही हुई है। तो पहले क्या करते कि वो गाड़ी तो हम लोगों ने बेचती थी और हमारे पास है $10.5 मिलियन और अभी क्या करते हैं भाई, इनमें से दोनों में से गाड़ी, ये तो हमारी पर्सनल कार है और दूसरी वाली व्हाइट कार है, वो जो हमारी कलेक्शन की कार है। तो सबसे पहले उस गाड़ी को जो है क्या करते हैं हम लोग कि इन गाड़ियों के बीच में रखते थे भाई। पहले से हम लोग पता है कि हम लोगों की जितनी भी गाड़ियाँ है वो सभी के सभी इस तरफ रहती है, जो भी कलेक्शन वाली गाड़ियाँ है। तो हमारी निसान GTR भी एक कलेक्शन की गाड़ी है, तो उसको भी यहाँ पे रखते। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे मैंने जो है सारी की सारी गाड़ियाँ मेरी जो है लगा दी है, जो भी मेरे पास सुपर कार्स थी और सारी के सारी कलेक्शन की गाड़ी एक जगह पे हो चुकी है और ये सिर्फ और सिर्फ Mazda X7 थोड़ी सी जुड़ी हुई लग रही है Lamborghini Ferrari से हमारी, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे साइड पे कर देते और जिससे कि हम लोग निकलने में फायदा हो। हमारी सारी की सारी गाड़ी एकदम परफेक्टली लग चुकी है हमारे शोरूम पे। तो चलेगा इस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और वीडियो को जरूर से लाइक करके जाना और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।